नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोहम्मद अफरोज़ आलम आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज का ये तालीमी प्रोग्राम बीएड साल अव्वल के तलबा के लिए है। नाजरीन, आज के उन्वान जो है हमारा तालीमी नफ्सियात के मज़मून में कोहलर का बसीरती इक्तिसाबी नज़रिया, यानी जिसे हम कोहलर्स इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आज स्टूडियो में, डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तालीम व तरबियत में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मुशाहिद साहब, मैं स्टूडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। बाकायदा गुफ्तगू के आगाज़ करने से कबल ये बेहतर मालूम होता है कि मैं आज की इस गुफ्तगू का कुछ तरतीब आपको बताता चलूँ। सबसे पहले कोहलर के बसीरती इक्तिसाब के नज़रियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर से कि इक्तिसाबी नज़रियात के मुख्तलिफ मराहिल क्या थे, फिर कोहलर के मुख्तलिफ मराहिल के बाद जो उन्होंने उसूल वज़ा किए उन उसूल को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उन उसूलों की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ तालीमी मज़मूरात पेश किए गए और तालीम व तदरीस में उसकी क्या अहमियत है, ये भी डॉक्टर मुशाहिद साहब से जानने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं हमारे तलबा को कि कोहलर का इक्तिसाबी नज़रिया क्या था। जैसा कि नाम ही से वाज़े है और जाहिर है जी, कि इनसाइट यानी कि समझ बूझ जी, फहम इदराक कॉग्निशन, सीखने वाला अपने जहन का, अपने दिमाग का, अपने सूझ का, अपने बूझ का इस्तेमाल करता है और जिस विषय को वो सीखना चाहता है वो सीखता है। अब इस नज़रिए के बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा आपसे जो है बताना चाहूँगा कि चूंकि ये नज़रिया एक माहिर नफ्सियात के नाम से मंसूब है जिनका नाम है कोहलर। कोहलर बुनियादी तौर पर जर्मनी के माहिर नफ्सियात थे जी, और वो मुख्तलिफ जानवरों पर इक्तिसाबी नज़रिए को पेश करने के लिए तजर्बात कर रहे थे, और इस सिलसिले में उनका एक जो है गिरोह था यानी कि ग्रुप था जी, और उस ग्रुप को कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम से मौसूम किया जी। इसमें खसूसियत के साथ आपके साथ दो और साथी शामिल थे जिनका नाम जो है कोफ्का और वर्देमर है, यानी कि कोहलर, कोफ्का और वर्देमर। अच्छा। और ये माहिर नफ्सियात का ग्रुप अपने आप को गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम से मौसूम किया। अच्छा अच्छा। अब सबसे पहले मैं आपको गेस्टाल्ट का मतलब मैं बता दूं जी जी, क्योंकि इसी लफ्ज़ के पीछे इस पूरे जो है नज़रिए की स्पिरिट है, रूह है। गेस्टाल्ट बुनियादी तौर पर जर्मन का नाउन लफ्ज़ है जिसका मतलब है एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी कि एक मुकम्मल तंजीम। अच्छा। एक मुकम्मल तंजीम जी। अब आइए इसी की बुनियाद पर हम इस नज़रिए को हम आगे जो है समझने की कोशिश करते हैं। एक मुकम्मल तंजीम से ये मुराद है कि सीखने वाला जब किसी भी मसाइल में, किसी भी सिचुएशन में पड़ता है तो वो उस माहौल का बतौर मजमूई वो जायज़ा लेता है जी, और फिर वो अपने इदराक का, अपने फहम का और अपने दिमाग का और सूझबूझ को इस्तेमाल करके उस शय को सीखता है, और इसमें ऑर्गेनाइज भी है, तंजीम यानी कि मुनज़्ज़म। ये इक्तिसाब या ये नज़रिया इक्तिसाब के सिलसिले में एक तंजीम की बात करता है, यानी कि इक्तिसाब एक हैफज़र्ड मैनर में नहीं होती, एक मुनज़्ज़म तौर पर होती है, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, और सीखने वाला जिस भी चीज़ को सीखना चाहता है वो अपने कॉग्निशन का, बसीरत का, जैसे आपने कहा ना बसारती जी, या जी, जो है बसीरती इक्तिसाब जी, जी, अपने बसारत का, अपने फहम का इस्तेमाल करता है। चूंकि इनसे पहले जितने भी जो है नज़रिया पेश किए गए उसमें बसीरत की कोई भी बात नहीं थी। अच्छा। जैसे कि इससे पहले जो है थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, सही और ख़ता का नज़रिया पेश किया, पावलो ने कंडीशनिंग जो है नज़रिया पेश किया,
स्किनर ने, ऑपरेंट जो है जो कंडीशनिंग की बात की, लेकिन इन्होंने कोहलर ने एक नई बात की कि इंसान चूँकि अशफुल मखलूकात कहलाता है और ये अशफुल मखलूकात का दर्जा इंसान को सिर्फ इसीलिए कि उसके पास समझ बूझ है, वो किसी चीज़ को सीखता है समझता है तो अपने समझ को अपने बूझ को अपने फहम का इस्तेमाल करके वो सीखता है। इसीलिए कोहलर ने इस नज़रिए को गेस्टाल्ट का नाम दिया, क्योंकि अच्छा। सीखने वाला अपने फहम का अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जी। और उस सिचुएशन को एज ए होल परसीव करता है, तो इसीलिए इस नज़रिए को हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नज़रिया या बसीरती इक्तिसाब का नज़रिया कहते हैं। हमारे तलबा के लिए बताइए कि कोहलर ने इस तजर्बात के लिए कुछ तजर्बा किए थे शायद अपनी इस थेरी के लिए जो कि बाद में राइज हुआ, तो उस तजर्बात पे कुछ रोशनी डाली हमारे तलबा के लिए। इस दुनिया में जितने भी नज़रियात पेश किए गए, जितने भी इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुए, हज़रत इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए जी हाँ, और फिर उस जो है तजर्बे की रोशनी में अपने नज़रियात को पेश किया। ठीक इसी तरह से ये इक्तिसाबी नज़रियात भी हैं जिसको मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ जानवरों पर तजर्बात करके उनके उसूल को बताए हैं, उनके तरीक़ेकार को बताए हैं। तो इस इक्तिसाबी नज़रिए को हम बेहतर समझने के लिए कोहलर के किए गए तजर्बात को हमें देखना होगा। इससे हमें उम्मीद है कि तलबा को बिल्कुल इस जो है नज़रिए का खाका और जो है मंजरनामा आँखों के सामने आ जाएगा और इस जो है नज़रिए को मुकम्मल तौर पर समझने में बड़ी आसानी होगी जी। बड़ा दिलचस्प तजर्बा है। कोहलर का एक पालतू चिंपैंजी हम जिसको कहते हैं जी जी, उन्होंने एक चिंपैंजी जो है पाल रखा था जिसको वो प्यार से सुल्तान जो कह करके पुकारते थे। अच्छा। जिस तरह से हम लोग मुख्तलिफ जानवरों को पालते हैं तो प्यार से निकनेम उनका दे देते थे जी जी, जो है दे देते हैं जी हाँ जी। तो उसी तरह से कोहलर ने सुल्तान पर इस नज़रिए को साबित करने के लिए या पेश करने के लिए उस पर आपने जो है तजर्बा किया। अच्छा। और ये तजर्बा उन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स में किए, मराहिल में किए। सबसे पहले कोहलर ने सुल्तान को कुछ दिनों के लिए भूखा रखा और फिर उसके बाद एक तजर्बे वाले रूम में उसके सीलिंग पर बनाना जिसको हम जो है माउस कहते हैं या केला कहते हैं उसके सीलिंग पर लटका दिया। अच्छा। और फिर उस तजर्बे वाले कमरे में उन्होंने लकड़ी के डब्बे 2-3 अलग अलग जगहों पर रख दिए और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टिक्स जिसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ करके एक जो है बड़ा स्टिक हम बना सकते हैं, उसको भी दूसरी दूसरी जो है जगहों पर रख दिया उन्होंने। फिर उसको वो बाहर से ऑब्जर्व जो है करने लगे सुल्तान को कमरे में बंद करके जी। तो वो क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो सुल्तान चूँकि भूखा था, उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो देखा कि सीलिंग से जो है बनाना जो है लटक रहा है। अब उसको बनाना हासिल करना था जी। ये एक जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जी। अब चूँकि वो सीलिंग पे था, ऊंचाई पे था, तो सुल्तान उसको जो है वहाँ तक जो है पहुँच नहीं सकता था जी हाँ। तो उसने पूरे कमरे का जायज़ा लिया और फिर उसके बाद से जायज़ा लेने के बाद से एक बार उसने कोशिश की उछलने की। अच्छा। तो उछला लेकिन वो उस केले तक जो है नहीं पहुंच पाया। अच्छा। फिर वो बैठ करके सोचने लगा तो अचानक उसको वो एक लकड़ी का डब्बा नज़र आया, वो उसको लाया और वहाँ केले के नीचे रखा, फिर उसको ट्राई करने की कोशिश की जी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद से वो फिर उस मुकम्मल कमरे का जायज़ा लेने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि अब मैं क्या करूं। इसी दौरान उसको दूसरा डब्बा भी दिखाई दिया, वो हर एक नई कोशिश जो है किया और उसको नहीं पाया। फिर उसके बाद से उसकी नज़र एक लकड़ी पर पड़ी, फिर वो कोशिश किया, नहीं पहुंच सका। अच्छा। फिर वो गौर व फिक्र करने लगा, देखने लगा चारों तरफ, अकल जो है दौड़ाने लगा कि इसको पकड़ने के लिए। फिर उसको एक और डंडा दिखा तो दोनों हाथ में लिया, फिर कोशिश किया,
پھر وہ فیل ہو گیا نہیں پہنچ سکا, پھر وہ دونوں طرف دیکھا ڈنڈے کے کہ کیا یہ جڑ سکتا ہے کیا. اچھا تو وہ تو جڑنے والا ڈنڈا تھا اس گرو پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں, اس کو اس نے جوڑ لیا, پھر کوشش کی پہنچنے کی, وہ فیل ہو گیا. پھر تیسرا دیکھا وہ حصے کا, پھر جوڑا اور پھر وہ اس کو حاصل کر لیا. جی یہ تو جو ہے پہلا مرحلہ ہے اس جو ہے تجربے کا. کچھ دنوں کے بعد یہ سیم سچویشن کو کوہلر نے پھر سے دہرایا. اچھا تو دوسری بار کیا دیکھتے ہیں کوہلر, کہ جب سلطان کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے تو وہ بغیر کسی غلطی کے بہت اطمینان سے ایک کے بعد دیگرے وہ ڈبہ لاتا ہے, تینوں اسٹکس کو اکٹھا کرتا ہے, جوڑتا ہے, اور بغیر کسی غلطی کیے ہوئے بہت اطمینان کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا ہے. اچھا اب دیکھیے اس جو ہے تجربے کے تیسرے مرحلے کو ہم بتاتے ہیں. جی ایک دوسرے جو ہے کمرے میں سلطان کو رکھا اور اس میں صرف ایک میز تھا, بڑا میز تھا جس پر کہ سلطان جو چڑھ کر کے اس جو ہے کیلے کو حاصل کر سکتا تھا. جی تو جب انہوں نے رکھ دیا سلطان کو تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلطان ایک بار جائزہ لیا پورے کمرے کا اور پھر کونے میں میز کو دیکھا, بہت اطمینان سے اس میز کو کیلے کے نیچے لایا اور پھر میز پہ چڑھ کر کے اس نے حاصل کر لیا. اچھا یعنی کہ یہیں پر کوہلر نے یہ ڈکلیئر کر دیا, ثابت کر دیا کہ اکتساب ایک آرگنائزڈ ہول اور ایک مکمل تنظیم اور انسائٹ سے, ہمارے سمجھ سے بوجھ سے, یعنی کہ سیکھنے کے لیے انسائٹ کا ہونا لازمی ہے. اور ہم انسان چونکہ عقل و فہم رکھتے ہیں, جب ہم کسی سچویشن میں یا پرابلمیٹک سچویشن میں مسئلہ مسائل میں پہنچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم اپنے فہم کا, ہم اپنے ادراک کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہتر آپ نے تجربات پہ روشنی ڈالی اور ساتھ ہی ساتھ مراحل بھی اس میں بیان کیا آپ نے. تو کیا یہ جو تجربات کی روشنی میں جو باتیں سامنے آئی, تو چمپینزی جس طرح سے دوبارہ ان کو دیا گیا اسی سچویشن میں, تو وہاں پہ ان کو جو ایک ریکالنگ جو کہتے ہیں دوبارہ یادداشت, کیا یہاں پہ آتی ہے وہ چیز کر کے وہ پرفیکٹ کام کر لیا؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ جو کوگنیشن کی جو بات ہے, جو وقوف کی بات ہم کہتے ہیں, تو یہ بھی اس دائرے میں آتا ہے کیا یہاں پہ؟ بالکل بالکل, یہ تو چونکہ پورا نظریہ جو ہے کوگنیٹو ہی جو ہے نظریہ کہلاتا ہے. اچھا چونکہ اس سے پہلے والے جتنے بھی نظریات تھے جی وہ جو ہے بیہیویئرسٹک والے تھے. اچھا جی جس میں دماغ کا, سمجھ کا اور بوجھ کا اور فہم کا کہیں بھی کوئی بھی جو ہے جگہ نہیں تھا. اچھا صرف پہلے, ہاں ہاں ہاں, اس سے پہلے والے جتنے بھی جو ہے ماہر نفسیات نے جو ہے اکتسابی نظریے کو پیش کیے اس میں انہوں نے کہیں پر بھی کاگنیشن کا, کہیں پر بھی سمجھ کا, بوجھ کا, غور و فکر کی بات جو ہے نہیں کی. جی جی بس انہوں نے کہا کہ ٹرائل اینڈ ایرر. لیکن اس نظریے نے ایک جو ہے نئی بات کہی کہ ہم سیکھنے کے لیے, ہم اکتساب کے لیے اپنے سمجھ کا, اپنے غور و فکر کا, اپنے ادراک کا, اپنے وقوف کا, اپنے دماغ کا ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں. جی چونکہ انسان کے پاس جو ہے سمجھ بوجھ تو ہے نا, جی جی ہاں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہے نا, جی, اور ڈھیر ساری چیزیں ہم جو سیکھتے ہیں. ہم جب جو ہے کسی بھی مسائل میں دو چار ہوتے ہیں تو ہم اپنا دھیان, اپنی سمجھ بوجھ, یا ہم ایز اے ہول اس کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں. کوہلر کے اکتسابی نظریہ کے لیے نظریات کی بنیاد پہ جو ابھی آپ نے بتایا, یہاں سے ایک کوگنیٹیو تھیریز کا مطلب شروعات ہوتی ہے. جی تو اس سے پہلے جو بھی آیا وہ بیہیویئرسٹک تھیوری میں جاتا ہے جو برتاؤ کی بنیاد پہ ہوتا تھا, اور یہاں پہ عقل و فہم کی بات آ جاتی ہے. تو اس ایکسپریمنٹ کی بنیاد پہ جو کچھ اصول مراحل, کچھ مراحل جو تھے ان کے, ان مراحل کو آپ اگر بتائیں تو ہمارے طلبہ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. میں مختصراً طور پر, چونکہ پورا جو ہے تجربہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو موجود ہے, جی چار پانچ جو ہے مرحلے جو ہے کوہلر نے جو ہے بتائے ہیں جی سیکھنے کے تعلق سے. سب سے جو پہلا جو مرحلہ ہے وہ سروے کا مرحلہ ہے. اچھا جب اکتساب کرنے والا, جب سیکھنے والا کسی بھی مسائل میں پڑھتا ہے تو وہ اس مسائل کو ایز اے ہول سروے کرتا ہے. اچھا اب آپ جو ہے غور کیجئے, جو ہے چمپینجی والا, سلطان والا جو ہے تجربہ, جی
जब कोहलर ने सुल्तान को कमरे में बंद किया तो सुल्तान ने उस पूरे कमरे के माहौल का एक सर्वे किया, एक जायज़ा लिया जी, कि वहाँ पर केला रखा हुआ है, हमको उसको हासिल करना है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि हम इस तक जो है कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आपने कभी गौर किया होगा कि आम जो बंदर होते हैं जी, जिनको हम जो है गली कूचों में देखते हैं, मैंने तो महसूस किया है क्योंकि मैं जो है नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ जी, तो आपने ये देखा होगा कि एक टहनी से या एक दीवार से दूसरी दीवार पर अगर बंदर को कूदना होता है तो पहले वो एक बार ट्रायल लेता है, एक बार पॉज लेता है, देखता है कि क्या मैं उस पर जो है कूद पाऊँगा कि नहीं। अगर उसने लाइन लेंथ देख लिया, टाइमिंग देख लिया कि हाँ मैं कूद सकता हूँ तो कूदता है, नहीं तो हम ये देखते हैं कि वो और करीब वहाँ पे जाता है फिर वहाँ से कूदता है। अच्छा। यानी ये इसलिए है कि यहाँ पर अक्ल की, समझ की और बूझ का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। कि क्या हम जो चीज़, हम जो मसला है जहाँ तक हमको जो है हदफ है पहुँचना है, उसको पहुँचने के लिए क्या हम जो है एक वो सर्वे करता है जी, और फिर जो दूसरा मरहला है उसमें झिझक होती है कि आया कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो ये जो कामयाब होगा कि नहीं होगा जी। जिस तरह से जो है सुल्तान चिंपांजी जो है झिझकता है, देखता है, झिझकता है ना, पॉज लेता है, फिर वो इस तरह से करने की कोशिश करता है। तो ये जो है सेकेंड है मरहला कि सर्वे करने के बाद से उस मकसद को हासिल करने के लिए, वहाँ तक जो है पहुँचने के लिए वो झिझकता है। अच्छा। और फिर उस झिझक के बाद वो एक कोशिश करता है। ओके। और जब जो है पहली कोशिश उसकी फेल हो जाती है तो बसीरती इक्तिसाब का सीखने वाला या जो भी लर्नर है सीखने वाला, जो अपने अक्ल से फहम से सीखता है जी, वो जो एक गलती या एक कोशिश जो गलत हो गई उसको फिर से दोहराता नहीं। अगर आपको ख्याल होगा ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी में जो थानडाइक का था तजर्बा, उसमें बिल्ली को जब हमने पिंजरे में बंद किया तो वो बगैर सोचे समझे उछल कूद शुरू कर दी। जी जी, एक ही तरफ बार बार कूद रही है गरचे कि वो जो है दरवाज़ा खुले या ना खुले। लेकिन यहाँ पर चूँकि बसीरती इक्तिसाब है, इसमें एक किस्म की गलती को दोहराया नहीं जाता है। अच्छा। अगर उसने एक डब्बे पर चढ़ करके हासिल करने की कोशिश की तो अब वो अगर वो फेल हो गया तो फिर अब दोबारा वो कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो एक नई कोशिश जो है करने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो मुकम्मल जायज़ा लेगा जी। और फिर उसके बाद से वो एक नई कोशिश इस तरह से वो हर एक मरहले के बाद नई कोशिश करता रहेगा, जिस तरह से सुल्तान ने किया जी। सबसे पहले एक डब्बे को लाया, फिर दूसरे कोने में दूसरा डब्बा दिखा वो लाया, फिर तीसरी बार जो तीसरा डब्बा लाया, चौथी बार स्टिक को, एक बार स्टिक को लाया एक, फिर उससे नहीं तो फिर देखा चारों तरफ कि क्या और स्टिक है क्या, दूसरी स्टिक पे जो नज़र पड़ी उसकी फिर वो ला लिया, इसी तरह से वो तीसरी स्टिक लाया, फिर उसको जोड़ता है और फिर इस तरह से, और लास्ट में ये मरहला तब तक चलता रहता है जब तक कि उस मसले को जो हल ना कर ले या उस चीज़ को सीख ना ले या उस जो है जो हदफ को हासिल ना कर ले, जिस तरह से सुल्तान के केस को हमने देखा जी। गोया के डॉक्टर साहब, इसके जो मराहिल हैं, सबसे पहले आपने बताया कि सर्वे का है, सर्वे का, उसके बाद जो झिझक है यानी पॉज कहेंगे, हाँ, उसको हाँ, पॉज भी कह सकते हैं, ठहर जाना, बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी। और उसके बाद फिर जो गलती एक मरतबा कर चुके हैं उसको नहीं दोहराना, तो ये एक तरह से वहाँ पे नई कोशिश कॉलिंग आती है और नई कोशिश करके पुख्तगी के साथ उस काम को अंजाम देते हैं। इस तजर्बात की रोशनी में कोहलर ने कुछ उसूल भी वजा किए हैं जी जी जी, तो उन उसूलों पर आप ज़रा अपनी रोशनी डालिए ताकि हमारे तलबा और तालिबात को वो उसूल समझ में आए कि इसकी बुनियाद पे किन किन उसूल को वज़ा किए गए। अपने तजर्बात की बुनियाद पर कोहलर ने इक्तिसाब के कुछ उसूल बयान किए हैं जी, जिसमें सबसे पहला उसूल है तंजीम का उसूल। अच्छा। यानी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा जी कि ये इक्तिसाबी नज़रिया मुकम्मल तौर पर तंजीम की बात करती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, यानी कि सीखने वाला मुनज्जम अंदाज में सीखता है जी, ना हैफेजर्ड मैनर में नहीं सीखता है, ठीक है, बल्कि उसका एक मुनज्जम तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है जी हाँ। इसके बाद एकसानियत का उसूल, अच्छा, सिमिलरिटी का उसूल दिया, यानी कि
एक जो है सिमिलर सिचुएशन में हम दूसरी चीज़ को बहुत आसानी से हम जो है समझ सकते हैं, जिस तरह से आपने जो है सुल्तान के तजर्बे को देखा। जी जी, सुल्तान पर जो तजर्बा किया गया पहला वो डब्बे पर था, स्टिक पर था जी, लेकिन जो दूसरा जो तजर्बा किया गया वो एक मेज पर था जी, लेकिन चूंकि उस जो सिचुएशन था उसमें सिमिलरिटी थी जी, सुल्तान भूखा था, सीलिंग पर जो बनाना था डब्बा नहीं था लेकिन डब्बे की जगह पर मेज था, तो ये जो है सिमिलरिटी का उसूल है। और फिर इसके बाद से नज़दीक का उसूल है जी, बकौल कोहलर कोई भी चीज़ अगर हम नज़दीक से सीखें तो हम उसको बेहतर तौर पर हम सीख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको तालमी जो है मुजमिरात में जी, हम आपको जो है मिसालों के ज़रिए और हम वहाँ पर आपको जो वाज़े करेंगे जी जी। इसके बाद डायरेक्शन सिमत का उसूल है, इसमें सीखने वाला एक डायरेक्शन के साथ सीखता है, विदाउट डायरेक्शन नहीं जी, डायरेक्शन जो है लेस नहीं सीखता जी जी। जिस तरह से थॉर्नडाइक के नज़रिए में बिल्ली के उछलने कूदने का कोई डायरेक्शन नहीं था जी जी, वो इधर उधर उधर उधर, लेकिन सुल्तान एक सिमत के साथ एक डायरेक्शन के साथ, हमने ये काम किया इसमें नाकामी मिली जी, तो अब हमें इस तरह से करना है, अब हमें इस तरह से करना है, और फिर आसान यानी कि इजीनेस। अच्छा, जो चीज़ आसानी से सीखी जाए उसको हम बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। तो ये चार पांच उसूल जो है वो जो है कोहलर ने दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का है, मुनज्जम या तंजीम का है जी, उसके बाद से नज़दीक का है जी, उसके बाद से सिमत का है जी, उसके बाद से एकसानियत का है जी। इन सब का हमारे तालीम व तदरीस के अमल में, जो दरस व तदरीस हम करते हैं उसके अमल में, इसका तालीमी मुज़म्मिरात या इसका क्या अमल दखल है, इस पे रोशनी डालिए और वजाहत कीजिए ताकि हमारे तलबा इस बात को और अच्छी तरह से इसकी मुज़म्मिरात को समझ सकें। कोई भी नज़रिया को पढ़ना या समझना सिर्फ उसके लिए नहीं काफ़ी है कि हम जो है तजर्बात को पढ़ लिए समझ लिए उसूल, बल्कि दरस व तदरीस में इसकी क्या अहमियत है, एक मुअल्लिम इस नज़रिए को अपनी तदरीस में कैसे अपना सकता है, कैसे शामिल कर सकता है जी, जिससे कि तलबा बेहतर से बेहतर सीख सकें इक्तिसाब कर सकें। तो ये बीएड के मुतल्लिमीन के लिए जो कि वुड बी टीचर हैं, मुस्तकबिल के जो है असातिज़ा हैं जी हाँ, और इस नज़रिए की बुनियाद पर जब वो उस्ताद बन जाएंगे तो वो अपने तदरीस में इस नज़रिए की जो भी अहम जो है बातें हैं जो कि अपने पढ़ाने में और तलबा को समझाने में और तलबा को पढ़ने में जी, तो इसके लिए हम आपको कुछ इसी जो है तजर्बे की बुनियाद पर या जो है कोहलर के पूरे जो है नज़रिए की बुनियाद पर कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप इन उसूलों को ज़हन में रखिए जी, मुनज़्ज़म जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो उसूल है। अच्छा, इस उसूल को एक टीचर अपने जहन में ये रख सकता है कि जब वो कभी भी तदरीस के लिए कमर जमात में जाए अच्छा, तो वो अपने मवाद मज़मून को एक तरतीब दे ले, मनज़्ज़म तौर पर जी, है ना, सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर ले जी, जिससे कि उसको डिलीवरी में बहुत फ़ायदा हो। अच्छा अच्छा, तो ये तो जो है फ़ायदा हुआ जो है टीचर के लिए जी जी। इसी तरह से टीचर अपने तलबा को ये बताए कि जब कभी भी वो जो पढ़ने के लिए जाएं जी, या किसी भी चीज़ को वो याद करने के लिए जाएं या वो कोई भी काम करें जी, है ना, एक तरतीब के साथ करें, है ना, एक सिस्टमेटिक वे में करें, उससे उनको अपने मकसद तक पहुंचने में बड़ी आसानी होती है और उनका काम अच्छे से हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है, होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, ये नज़रिया जो है कुल की बात करता जी, है, एन ऑर्गेनाइज्ड होल। तो इसमें यह है कि इस नज़रिए के मुताबिक हम किसी भी चीज़ को जब हम सीखने जाते हैं तो उस सिचुएशन को एज ए होल हमें परसीव करना पड़ेगा जी जी। मिसाल के तौर पर अगर हम ताजमहल को देखने जा रहे हैं तो ताजमहल का एक मीनारा देखने से काम जो नहीं चलेगा जी, बल्कि उस ताजमहल को एज ए होल आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप हमसे रूबरू हैं जी हाँ, तो हम सिर्फ आपके चेहरे को नहीं देख रहे हैं जी, बल्कि जी, आपके सर से लेकर के पैर तक एक जो खाका है हमारे ज़हन में जी जी, एक पूरी आपकी जो है जसामत है हमारे सामने, कौन आदमी बैठा हुआ है जी, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये नज़रिया ये कहता है कि सीखने के लिए कुल की ज़्यादा अहमियत है जुज से,
यानी कि होल मेथड इज़ ग्रेटर देन पार्ट जी। अगर हम बहुत ही आसान जबान में कहें तो ये नज़रिया होल मेथड पर ज़्यादा जोर देता है। इसके बाद डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ पढ़िए जी। क्लोज़र, ये जो बड़ा जो है अहम बात है, क्लोज़र की बात ये करता है कि मिसाल के तौर पर हमको जो है ताजमहल पढ़ाना है, हमको चार मीनार पढ़ाना है उनवान, हमको जो है मक्का मस्जिद पढ़वाना है, हमको गोलकुंडा पढ़ाना है, तो अगर हम तलबा को मक्का मस्जिद ले जाएं, चार मीनार ले जाएं, ताजमहल ले जाएं, तो उससे हमारी तदरीस जो बड़ी आसानी के साथ और वो पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे तसव्वुर को बच्चे जो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ये नज़रिया कहता है कि जो चीज़ भी हम पढ़ाएं जो तलबा को उनके करीब ले जाएं, है ना। इसके साथ ही साथ ये नज़रिया गौर व फिक्र में बड़ी जो है मददगार व मुआमिन होती है, तख्लीकी सलाहियतों को जो है परवान चढ़ाती है, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिविटी हम जिसको कहते हैं जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मसाइल के हल के लिए ये नज़रिया बड़ा जो है अहम है, क्योंकि ये नज़रिया गौर व फिक्र की दावत देता है जी, फहम व इदराक की बात करता है जी, जी। ईजादात, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ के लिए जी, आप जो है गौर कीजिए जितने भी इस दुनिया में इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हुए हैं उसमें जो कॉग्निशन, गौर व फिक्र, दिमाग, समझ बूझ का इस्तेमाल होता है। तो गर्चे की जहाँ पर जो है इदराक की, समझ बूझ की ज़रूरत है, ये इक्तिसाबी नज़रिया बहुत ही मददगार और मुआमिन होता है। इससे उस्ताद अपने जो है तलबा के अंदर एक जस्तजू जी, एक जो है मसाइल को हल करना, एक तजस्सुस वगैरह की जो है तरबियत दे सकते हैं, जिससे कि वो इक्तिसाब को जो है बहुत खूबी अंजाम दे सकते हैं। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए यहाँ पे आप, और इस अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू की और वजाहत की तमाम चीज़ों की, तो इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। तलबा और तालिबात, जैसा कि अभी हम डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद साहब से मुखातब थे और उन्होंने आज एक बहुत ही अहम मौजू जिसका उनवान हमारा कोहलर का बसीरती इक्तिसाबी नज़रिया था, इसके तमाम उमूर पर रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बेहतर और मुफीद और कारगर साबित होंगे। अगर आप इसके मुतालिक, इस उनवान के मुतालिक और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे किताबियात का मुताला कर सकते हैं। इसके अलावा आप मज़ीद तफसीलात अगर मालूम करना चाहते हैं तो निज़ामत फासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से राबता कायम कर सकते हैं। फिर एक नए मौजू के साथ हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब, खुदा हाफिज।